शिव धर्म अजित वर्धमान सिंधु प्यो नमः शांति वीर शिव धर्म अजित वर्धमान सिंधु प्यो नमः तुम्हें हम वर्धम। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम आपको एक ऐसे महान तपस्वी संत के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिनकी कीर्ति सारे विश्व में फैल रही है। वो जैनाचार्य हैं, वात्सल्य के सागर हैं। उनका प्रेम, उनकी करुणा और उनकी संवेदनशीलता किसी धर्म विशेष तक सीमित नहीं है, वो तो सबके हैं और सब उनके हैं। ऐसे महान संत कोई और नहीं बल्कि प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की अक्षुण बाल ब्रह्मचारी पट्ट परंपरा के सफल सारथी, राष्ट्र गौरव और वात्सल्य वारिधि परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही दीन दुखियों का कल्याण हो जाया करता है। ऐसे महान संत की अनुमोदना करना ही पुण्य का संचय करने के बराबर है। तो आइए एक नजर आचार्य श्री के जीवन पर डालते हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिला के अंतर्गत सनावद नगर, जहां 50,000 की आबादी में जैन समाज के मात्र 150 परिवार निवास करते हैं। पोरवाड़ जाति पंचोलिया गोत्र वाले पिता श्री श्री कमलचंद जी तथा माता श्रीमती मनोरमा जी थी। इनका जन्म 18 सितंबर 1950 में हुआ, जिनका नाम यशवंत रखा गया। लगभग एक वर्ष की आयु में यशवंत को मामा के यहाँ भेज दिया। जब 5 वर्ष बाद अपने माता पिता के पास सनावद आए और यहाँ के स्कूल में पढ़ाई आरंभ की। इसी के साथ जैन पाठशाला से धार्मिक शिक्षा भी होती रही। इसके बाद कॉलेज की शिक्षा ग्रहण करने के दौरान ही यशवंत को आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज का आशीर्वाद मिला। इसी के चलते यशवंत की धार्मिक शिक्षा में रुचि बढ़ती गई। ब्रह्मचर्य व्रत आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज एवं धार्मिक शिक्षा वर्षा योग के दौरान पूजनीय गणनी आरिका श्री ज्ञानमती माता जी से प्राप्त हुई। परम पूज्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज के कारण बालक यशवंत के तेजस्वी और प्रतापवान व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। घर आंगन में बचपन की अटखेलियां करते हुए करीब 19 वर्ष की युवावस्था में 24 फरवरी वर्ष 1969 में सुदी अष्टमी के पावन दिन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में धर्म शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज से मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली और यशवंत का नवीन नाम मुनि श्री वर्धमान सागर जी महाराज रखा गया। मुनि दीक्षा लेने के बाद उनकी यात्रा आरंभ हुई। मुनि दीक्षा के दौरान 1969 से 1990 तक करीब 20 वर्ष तक मुनि अवस्था में रहकर इस तपस्वी संत ने भारत में जैन धर्म की प्रभावना की। इनके शिक्षा गुरु आचार्य कल्प श्रुत सागर जी महाराज हुए। मुनि श्री दीक्षा का प्रथम चातुर्मास राजस्थान के जयपुर में हुआ। इसके बाद 24 जून 1990 आषाढ़ सुदी को राजस्थान के पारसोला में गुरु आचार्य रत्न अजीत सागर जी महाराज से आचार्य उपाधि को ग्रहण किया। आचार्य पद ग्रहण करने के बाद पूज्य आचार्य श्री का संपूर्ण भारतवर्ष में अखंड रूप से विहार आरंभ हुआ। आचार्य उपाधि के उपरांत प्रथम चातुर्मास राजस्थान के पारसोला में ही सानंद संपन्न हुआ था। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की निर्दोष परंपरा को 50 वर्ष तक आगम की छांव तले निभाया। आचार्य पद पर रहकर अपने शिष्य परंपरा को वृद्धि गत कर विश्व में दिगंबरत्व का डंका बजाया। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, राजस्थान, बुंदेलखंड आदि राज्यों में आचार्य श्री ने संघ सहित सर्वव्यापक विहार किया। यह करीब 25,000 मीलों से भी अधिक पद भ्रमण इन्होंने संपूर्ण भारत में किया। जहाँ जहाँ आपके वर्षायोग हुए और जिस मार्ग पर आपके पवित्र चरणों की रज पड़ी, मानो उस धरा के बाशिंदे धन्य हो गए और वह स्थान किसी तीर्थ से कम नहीं रहा। इसी पावन यात्रा के दौरान आचार्य श्री के सानिध्य में श्रवण बेलगोला में स्थित विश्व की अद्वितीय भगवान बाहुबली की प्रतिमा का 3 बार महामस्तकाभिषेक भी संपन्न कराया। विश्व स्तरीय प्रतिमा के महामस्तकाभिषेक के दौरान एक ही मंच पर अनेक जैन संतों का समागम भी हुआ, जहां आचार्य श्री का नेतृत्व भी
भली प्रकार देखने को मिला। आचार्य श्री ने अनेक जीवों का कल्याण करते हुए मुनि, आरिका, शुल्लक, एलक एवं ब्रह्मचर्य आदि दीक्षाएं भी प्रदान की। इनके अलावा आचार्य श्री ने अनेक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं सैकड़ों विधान के माध्यम से धर्म कल्याण किया। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज संघ संचालन में दक्ष और दार्शनिक विचारधारा में निष्णात हैं। आपके आचार्य पद पर आते ही समाज, संघ व राष्ट्र में नई चेतना जागी। समाज में आई विकृतियों को गगनभेदी स्वर में आरोग्य कल्याणकारी घोषित किया। इस गौरवशाली परंपरा का आगमानुसार निर्वहन करते हुए आज एक धर्माचार्य के रूप में जैन समाज के सम्मुख महान पद पर सुशोभित होकर वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज लोगों का कल्याण कर रहे हैं। शांति वीर शिव धर्म अजित।